तो ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये है इंडिया का फर्स्ट कॉमर्शियल ऑयल वेल। Hey, what's up everyone and welcome back to the channel. तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं डिग बॉय का कुछ अच्छे प्लेसेस हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जैसे यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज वगैरह है, पार्क है डिग बॉय, और म्यूजियम वगैरह हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। प्लस अगर चांस मिला तो यूरोपियन एक कॉलोनी है वहाँ पे, वो भी एक्सप्लोर करने का हम लोग का प्लान है। तो अभी फिलहाल के लिए बज चुका है 8 बज गया है, हम लोग 7 बजे निकलने वाले थे। और यहाँ पे हम लोग का साथ है यशु भाई, और हम लोग का आज 2 बीस जाने वाला है, जो कि है TVS Apache RTR 164V और अपना वैनम। और हम लोग तिनसुकिया पे दो दोस्त को हम लोग पिकअप करने वाले हैं, उसके वहाँ से निकल जाएंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। ऑलराइट पीपल, तो गाइस आज का जो रूट होगा कुछ इस प्रकार का होगा। तो हम लोग टिलिंगा मंदिर होके जाने वाले हैं, तो रूट थोड़ा सा लंबा होगा, नहीं तो हम लोग का डिस्टेंस लगभग 70 किलोमीटर्स होता है घर से लाहौल से डिगबॉय तक। और अभी रूट थोड़ा सा चेंज होके हम लोग का हो जाएगा लगभग 90 किलोमीटर्स राइट जाने का, और आने का हम लोग फिर से वो 70 किलोमीटर वाला हम लोग रूट हम लोग चूज़ करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए फ्यूल अप तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि आसपास का जितना भी पेट्रोल पंप था सब, मतलब एक किसी में तो फ्यूल नहीं है, नहीं तो कोई कोई पेट्रोल पंप क्लोज है। तो हम लोग झाबुआ में हम लोग फ्यूल अप कराएंगे, और फ्यूल अप करा के डायरेक्ट हम लोग तिनसुकिया टाउन में हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग ने बाईपास का रूट नहीं लिया, क्योंकि रास्ते से एक हेलमेट भी पिकअप करना था, तो इसी कारण से हम लोग हाईवे में, ओल्ड जो हाईवे है, हम लोग नेशनल हाईवे में चल रहे हैं। ये देखो यार बंदा पूरा फुल ऑन मजे में है, ये बंदा लिटरली लाइक 2 हफ्ते से एक्साइटेड है। और गाइस आज तो आपने देख ही लिया होगा वो सरप्राइज़ किया था दुलिया जान में, हम जब गया था मैं तो वो था एक्सोर का एक जैकेट मैंने ले लिया, जो कि निम्बस है, जो कि न्यूली लॉन्च हुआ था, और इसका भी जल्दी से जल्दी एक रिव्यू आएगा, तो इसीलिए मैं आज पहन के इसको राइड कर रहा हूँ, ताकि आपको एक अच्छा सा अच्छा रिव्यू दे सकूँ। और साथ ही साथ एक हम लोग ने राइडिंग शूज़ भी ऑर्डर किया, तो उसका भी रिव्यू जल्दी मिल जाएगा। तो गाइज अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दो, एंड वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए गाइज, तो अभी देखते देखते हम लोग का टाइम हो चुका है, अभी 10 बज चुका है, और अभी हम लोग ने अपने दोस्तों को भी पिकअप कर लिया, और वी आर ऑल सेट। और अभी हम लोग जा रहे हैं टिलिंगा मंदिर, बोर्ड भी होके जाएंगे, तो रूट थोड़ा सा लंबा हो गया, और देखते हैं आगे कहीं पे रुका जाएगा या फिर डायरेक्ट वहीं पे रुकेंगे। वैसे हम लोग ने थोड़ा सा एक ब्रेक लिया था चाय पीने के लिए, अभी देखते हैं अंदर अंदर, बहुत ही अंदर रास्ता जा रहे हैं। और फिलहाल के लिए हम लोग हैं तिनसुकिया पे, और देख सकते हैं अंदर का रास्ता कंडीशंस बहुत ही ख़राब, किसी मतलब आइडिया ही नहीं हो रहा है, बस गली का अंदर घुस रहा हूँ, गूगल मैप पे दिखाई दे रहे जहाँ पे बोल रहा है गूगल मैप वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। क्या नज़ारे हैं गाइस यार, टी गार्डन के बीच में और राइट चल रहा है, बस रोड का कंडीशन सही नहीं है, ब्लॉक रास्तों पर मतलब उगर खबर होता है ना, तो मज़ा नहीं है। लेकिन जो हम लोग का राइट वाला साइड है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है, लिटरली एक टी स्ट्रीट का मतलब बीच में राइड कर रहे हैं, और टी गार्डन से टी गार्डन बेसिकली वहाँ पे सारे पट्टे अभी कट चुके हैं और थोड़े थोड़े पत्ते बचे हैं। करेंटली हम लोग है टिलिंगा मंदिर पहुंच चुके हैं, जो कि एक ऐसा मंदिर है जो आदमी लोग का विश्वास है कि यहाँ पे अगर हम लोग टिलिंगा हम लोग बांधते हैं या फिर प्रे करते हैं तो हम लोग का विशेष जो है वो पूरा होता है। तो मंदिर यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग एंट्रेंस ले रहे हैं, तो चारों ओर देख सकते हैं आप यहाँ पे टिलिंगा घंटी वगैरह यहाँ पे बंधा हुआ है, और धागा यहाँ पे बंधा है, और पूजा भी होगा, ये तिरोक भाई हम लोग का यहाँ पे पूजा करने वाला, और साथ ही साथ स्निग्धा पूजा करेंगे यहाँ पे। कुछ बोल दे यार, क्या है ये, क्या है? मैं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं बोलता हूँ,
चलिए गाइस यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत प्रे करते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। सो वेलकम टू रिग बॉय गाइस। यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट ऑयल डिस्कवर हुआ था और एशिया का सबसे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी यहाँ पे है। तो चलिए गाइस पहले हम लोग प्लान बनाए कि म्यूज़ियम पहले एक बार विजिट कर लेते हैं और उसके बाद कुछ खाया जाएगा, उसके बाद हम लोग पार्क वगैरह जो भी है यहाँ पे ब्रिटिश टाइम का यूरोपियन कॉलोनीज वगैरह भी है वो देख लेंगे एक बार। तो गाइस हम लोग अभी पहुँच चुके हैं दिग बॉय का पार्क और यहाँ पे आपको एंट्री वगैरह करना है। यहाँ पे चार्जेस वगैरह नहीं लेंगे, जस्ट आपको सिंपली आधार कार्ड वगैरह आपको एंट्री दे के वहाँ से आप एंट्री ले सकते हो और उसके साथ आपको आईडी प्रूफ देना है, नॉट ओनली आधार कार्ड, लाइक आपको आईडी प्रूफ दे के गेट पे आप एंट्री ले लेना। वैसे पार्क काफ़ी सुंदर है, सुंदर है कि नहीं कुछ तो बोल रहे हैं। सुंदर है, सुंदर है पार्क तो है। हाँ सुंदर है, यहाँ पे देख सकते हो फाउंटेन्स वगैरह है, काफ़ी प्यारा सा है फाउंटेन्स। हाँ यहाँ पे देख सकते हो मिनिएचर वर्जन ऑफ बोगीविल ब्रिज। बस नीचे से ट्रेन नहीं जाता, यहाँ पे क्या जाता है, नाव जाता है। तो गार्डन्स वगैरह काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया था। अगर आप दिग बॉय विजिट कर रहे हो तो मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि ये वाला जो पार्क है ज़रूर से आओ। और दिग बॉय का टाउन का बीच में एक छोटा सा पार्क है लेकिन वो वर्थ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब इतने दूर से आए हैं, ट्रेवल किए हैं, तो वो वाला पार्क मतलब का वर्थ नहीं होता। और यहाँ पर थोड़ा सा आप बैठने के लिए है और वैसे काफ़ी बड़ा एरिया है, मोस्टली आपका पोन से कवर अप हुआ है। ओ एपिनडी, ओ एपिन जाबो नहीं देने की बॉन्ड और बट मज़ा लगी ले रनबे उस वापस आया हूँ किस। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हम लोग का हैंगिंग ब्रिज था लेकिन जाने के लिए तो बहुत ही थ्रिलिंग है। तू गया कभी हैंगिंग ब्रिज पे? नहीं, पार होकर कूद के चला जाएगा। चल नहीं यार, लेकिन गाइस लिटरली मज़ा आ जाता है हैंगिंग ब्रिज पे, फोटोज़ भी काफ़ी अच्छे आने वाले थे लेकिन अफसोस ये अभी बंद है। और हालांकि हम लोग पहले म्यूज़ियम घुसने वाले थे लेकिन म्यूज़ियम में सीन ऐसा है कि 1 PM से लाइक ओपन होने वाला था, तो हम लोग क्या रुक के फ़ायदा नहीं है, चलो यहीं पे विजिट कर लेते हैं सोचे। वैसे लिटरली एरिया काफ़ी बड़ा है और ऐसा नहीं है, बड़ा एरिया होने के बावजूद काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है, लाइक गंदगी वगैरह नहीं है, सब आपके प्लेस में डस्टबिन वगैरह अवेलेबल है और जो पोंड है वो भी काफ़ी साफ़ है। बस यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी है लेकिन कोई नहीं, इतना तो चलता है। यहाँ से देखो नज़ारा, देखो बहुत ही प्यारा है यार, सब तरफ हम लोग का सीरिया ट्रैकिंग वगैरह मस्त हो रहा है। चल पर जाएंगे जाए। तो यहाँ पे वैसे इतना कुछ रेनबो ना ही वो या बा विजिबल ना हो, तो एक्चुअली वहाँ पे एक रेनबो फॉर्म हो रहा है क्योंकि सनलाइट गिर रहा है, प्लस आपका जो वाटरफॉल टाइप ही हो रहा है फाउंटेन का, वैसे रेनबो फॉर्म हो रहा है लेकिन कैमरा में आएगा नहीं अच्छे से। तो चलिए गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छा पार्क था। अभी कुछ खाने के लिए हम लोग ढूंढेंगे कुछ अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट, जाके वहाँ पे खाने के लिए देखते हैं क्या खाते हैं आज। उसको क्या खाना है नहीं बता सकता, क्या खाना है ए, कुछ भी नहीं खा लेगा, कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है। तो चलिए गाइस यहाँ से निकलते हैं, भूख इसको ही लग रहा है। हाँ अरे भूख तो लग रहा है, इतना लंबा यार कितना मॉर्निंग को खाया था, फिर आया ओबियसली भूख तो लगेगा। चलिए गाइस निकलते हैं अभी रेस्टोरेंट में, सीधा मिलते हैं आपसे। तो गाइस एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया, सॉरी गाइस, मैंने पहले इसको यासू बोल के इंट्रोड्यूस किया, इसको हम लोग बुलाएंगे जसवा, आतंक का दूसरा नाम जसवा मुट्टी, ठीक है ना गाइस। तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए आए, हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट खाईजांग, भात तो खाईजांग एपिन आहिजांग। वैसे काफ़ी प्यारा सा मतलब आपका व्यू है, यहाँ से आप रूफ टॉप पे और डिब्बोय का जो टाउन है आप उसका नज़ारा ले सकते हो, देखो यहाँ से पूरा अच्छे से दिखता है। और एक चीज़ नोटिस किया, जो ऑयल रिफाइनरी है ना ये दिग बॉय का बीचों बीच है, देख सकते हो पूरा मस्त व्यू है।
उसके बाद हम लोग जाएंगे म्यूज़ियम वगैरह हम लोग विजिट देंगे। पार्क तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और वैसे काफ़ी मतलब अच्छे से बनाया, थोड़ा सा एथेनिक और रेस्टोरेंट है, इसमें आपको फास्ट फूड भी मिल जाएगा, मोमोज भी मिल जाएंगे, जो भी खाना है आपको टुपला भात वो भी अवेलेबल है। प्राइसिंग ठीक ठाक है, नॉट सो एक्सपेंसिव। चलिए देखते हैं खाना कैसा होता है, उसको भी एक बार रिव्यू देंगे। और भूख लगी से ना, लगी से लगी। चलिए गाइस भात तो खाई जाऊँ एट रेस्टोरेंट खाई जाऊँ। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं डिगबॉय म्यूजियम की ओर, और अभी रास्ता कहाँ है, कहाँ पाएगा नहीं क्या अभी है टू स्टार्टिंग टू है कि यस वी हैव रिच एंड आई गेस सो दिस इज़ द पार्किंग एरिया। चलो यहाँ पे पार्किंग लगाते हैं, अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं डिगबॉय के म्यूजियम में, और यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा पार्क जैसा है, बहुत ही वेल मेंटेन, और अंदर जाने के लिए आपको थोड़ा सा एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ओल्ड मॉडल का स्कूटर्स, और यहाँ पे जो मशीनरी है ये यहाँ पे डिस्प्लेड किया गया है, और साथ ही साथ एक बड़ा सा जायंट व्हील पर, ये है एक मेन स्टीम इंजन है ये, और ये लगभग आपका 1932 में ये मैन्युफैक्चर हुआ था, और ये था जर्मनी से इंपोर्ट किया था। वाह सही है, ये वैक्यूम पंप है एक्चुअली, टेस्टिंग यूनिट का मतलब जो पेट्रोलियम का मतलब टेस्टिंग यूनिट होता है ना केरोसिन का वो है। और यहाँ पे देख सकते हैं अपना फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट का गाड़ी, यहाँ पे ऑयल पंप का था एक्चुअली लिखा हुआ है सब, मतलब अच्छे से डिटेल। ये चीज़ अच्छा लगा कि जो भी चीज़ें मतलब डिस्प्ले पे दिया गया है ना अच्छे से, मतलब यहाँ पे डिटेल्स भी दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये सकर रॉड पंपिंग वेल हेड, और ये एक है फायर फाइटिंग बोट। अच्छा फायर फाइटिंग बोट भी था, और वहाँ पे देख सकते हैं साइड में ड्रम वगैरह भी है। और अपना जो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट कौन सा, हाँ फ्यूलिंग स्टेशन देख सकते हो, मतलब पूरा ब्रिटिश ज़माने का एक फ्यूलिंग पंप यहाँ पे है, और यहाँ पे देख सकते हो जो फायर फाइटिंग ट्रक है बेडफोर्ड, परफेक्ट फोर्ड है भाई, फोर्ड कंपनी का है शायद, अगर नहीं होता ना एक अच्छा फोटो आ जाता रे घर में, ये कितना देखे खराब कर दिया। तो ये फ्यूल पंप भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइक डिस्प्ले किया गया था कैसे घुसाते हैं कैसे नहीं, लेकिन आई डोंट नो ये गाड़ी में फ्यूल अप कैसा होता होगा, अंदर होता है या बाहर, लेकिन सही तो लग रहा है। और फ्यूल पंप का अंदर एक शॉप वगैरह स्टेशन, वैसे ये थोड़ा सा रिस्टोर किया जा सकता था क्योंकि बहुत गंदा है, देख सकते हैं नीचे में बहुत गंदा गंदगी है, तो आई गेस तो इतना अच्छे से वेल मेंटेन है तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देने से अच्छा होता। तो ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये है इंडिया का फर्स्ट कॉमर्शियल ऑयल वेल, जो कि 1889 पे बनाया था, और काफ़ी ऊंचा है, लगभग आपका 202 मीटर इसका डेप्थ है, और रेट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है 909 लीटर्स पर डे। वाओ काफ़ी ह्यूज है वैसे। यहाँ पे भी एक है, ये वाला तो शायद ऊपर उठ भी सकता है लेकिन अलाउ तो करेगा नहीं। और हम लोग दिखाते हैं बड़े बड़े बर्तन कराहिया, देख सकते हैं इसका साइज देखो इस पे बनाएगा क्या लिटरली हम घुस, मतलब क्या तू तो बनना चाहता है इसके अंदर 20-10 आराम से घुस जाएगा, आराम से इजी ब्रो। और यहाँ पे क्लार्क्स कंप्रेसर,
हाँ लेकिन अच्छा खासा है, हिस्ट्री रिलेटेड स्टफ है यहाँ पे देखने के लिए, तो मैं बोलूँगा कि ये जो पार्क है वर्थ है। और यहाँ पे विजिट करने के लिए आपको कोई एंट्री चार्जेस वगैरह आपको देना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। हाँ लेने से भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अच्छा है पार्क, तो वैसे भी हम लोग नॉर्मल पार्क पे भी हम लोग विज़िट करते हैं तो हम लोग थोड़े बहुत फीस देते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देने से कोई दिक्कत का बात नहीं था। और फिल्टर प्रेशर, ये 1920s का विंटेज यूनिट है। ये क्या करता था, यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव अचीव ऑफ सर्विसिंग एट डिगबॉय रिफाइनरी ऑन इट्स वेरी अर्ली डेज व्हेन वी बिगिन वैक्स प्रोडक्शन। अच्छा वैक्स प्रोडक्शन में ये हेल्प करता था। फिल्टर प्रेस, ये एंटिक चीज़ें देखने के लिए सही लगता है, लेकिन हाँ इतने दूर से हम लोग ट्रैवल करके आए हैं, लाइक 100 टू 120 किलोमीटर्स हम लोग ने आज ट्रैवल किया, लेकिन हाँ गाइस यू कैन से इट्स वर्थ। और वो भी एक एंटिक पीस ही है लेकिन इसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया है, वेस्टोन। ये जो लोहा वगैरह होता है ना काफ़ी मज़बूत होता है, अगर का अगर लोहा देखोगे ना, रास्टिंग वगैरह इतना ईजीली नहीं घिसते। यहाँ पे देख सकते हो कितने सालों से बारिश भी है लेकिन हाँ अभी भी टूट के बिखरा नहीं है। लाइक जो इसका मेन कंपोनेंट है यहाँ पे देख सकते हो, स्टील है या कुछ भी एलिमेंट है आई डोंट नो, ये अभी तक मतलब जंग नहीं लगा है इतना मैं बोल सकता हूँ। RH रेलवेज काफ़ी छोटे हुए करते थे उस टाइम के, उठियो पाड़ो हो बोला ना। और है ये है इसका मेन इंजन, काफ़ी छोटा है, स्टीम इंजन होगा मोस्ट प्रोबेबली, ये डीजल स्टीम ही होगा शायद, स्टीम तो लग नहीं रहा है, ये डीजल होना चाहिए। स्टीम से चलेगा तो कोयला डालने के लिए कोई तो प्रोसेस होगा ना। पीछे वाला इंजन काफ़ी बड़ा है, ये वाला कंपेरेटिवली स्लो है, लेकिन यहाँ पे आई गेस वो पैसेंजर्स वगैरह कैरी करता था, और पीछे वाला माल कैरी करने के लिए आपका तो काफ़ी पावरफुल इंजन यूज़ किया गया था। तो इसका जो पार्क का एरिया है ज़्यादा बड़ा नहीं बोलेंगे, ये एरिया इतना ही है, और अंदर में जो बिल्डिंग है वहाँ पे मेरे को पता नहीं, शायद मोस्ट प्रोबेबली फोटोग्राफी अलाउ नहीं कर सकते, स्टिल देखूँगा, अगर वीडियो नहीं आया तो समझ जाना फोटोग्राफी अलाउ नहीं था। और एरिया काफ़ी वेल मेंटेन है, छोटा है लेकिन इंफॉर्मेटिव चीज़ें बहुत है, हिस्ट्री रिलेटेड सब चीज़ें डिस्प्ले, वेल डिस्प्ले। और ये देख सकते हैं फ्यूल स्टेशन जिसे एक प्रॉपर वे में डिस्प्ले किया गया था विथ प्रॉपर बोर्ड, ये मेरे को बहुत सही लगा। बाकी सब जो चीज़ें हैं कौन से चीज़ों में यूज़ होते हैं इसका ऊपर भी डिटेलिंग के साथ बोर्ड भी मेंशन है बहुत सारा, मतलब अभी क्या होता है एंटीक चीज़ों में हम लोग को इतना डिस्प्ले मिलता नहीं है, तो ये वाला मेरे को काफ़ी सही लगा। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो यार ज़रूर से लाइक कर देना, इतना दूर आए और ट्रैवल करके। तो गाइस अभी हम लोग एंटर कर दिए थे जो डिगबॉय का मेन म्यूज़ियम है, ये वाला आप एंट्रेंस देख सकते हो, और वहाँ पे आपको सीधा सीधा एक गार्ड मिलेगा, तो वहाँ पे आपको एंट्री करना है। लेकिन मेन दिक्कत हुआ कि वहाँ पे आपको वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, तो इसी कारण से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन अंदर का लिटरली बहुत सारे हिस्ट्री रिलेटेड स्टफ्स थे, और जैसे जैसे मतलब फ़ोटोग्राफ्स भी काफ़ी एंटीक था, और मैप इंडिया का मैप, और जो ब्रिटिश ज़माने का जो आपका स्ट्रक्चर्स और उसका जो आर्किटेक्चर है मॉडल है वो आपको ज़रूर दिखेगा। तो अगर आप आ रहे हो डिगबॉय किसी काम से और या फिर आसपास आते हो, मैं एक बार रिकमेंड करूँगा आप पार्क से अच्छा इस जगह ज़रूर से विज़िट करें, क्योंकि ये 100% वर्थ इट रहा हम लोग का जो ट्रिप था, और हिस्ट्री रिलेटेड स्टप्स भी हम लोग ने बहुत एक्सप्लोर किया, डिस्कवर किया, और जानने को मिला कि कौन सा सामान किस चीज़ के लिए यूज़ होता था। और ऐसा नहीं कि कुछ भी रख देंगे, उसका ऊपर अच्छे से मतलब डिस्क्रिप्शन मेंशन होता है कि कौन सा स्टफ किस के लिए यूज़ होता है, क्या होता है क्या नहीं, और विद प्रॉपर डेट्स एंड ऑल। तो गाइस मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत प्रैक्टिस चाहिए गाइस, बहुत प्रैक्टिस। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ, चलिए मिलते हैं एक दूसरे अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस, सायोनारा साइनिंग ऑफ, घर जाऊँ।